जैसे ही हम अपने घर से निकलते हैं एक छोटी सी राइड के लिए, तो मैं और सागर भाई एक ऐसी लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा बहुत पुराना लकड़ी का पुल था। तो चलिए आगे देखते हैं राइड पे हमें कौन सी अच्छी चीज़ लोकेशन में देखने को मिलती है। स्कूटी में वहाँ देखो ऐसी लाइट नीचे फुल टाइम हमारा कैमरा ऑन नहीं था उस टाइम पे। तीन दिनों के बारिश के बाद वहाँ सामने पहाड़ों पे बर्फ गिरी हुई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो लोगों ने बोला था इन्होंने हमारी टक्कर भाई बर्फ भाई बाजी। जैसे कि मैं ये समरी में बता रहा हूँ कि काफ़ी खाई वर्ग जगह है या कुछ भी हो गया या रेस्टोरेंट करते हैं तो जब भी यहाँ हिमाचल आए तो सावधानी से हमने व्हीकल को चलाया। ये जो आप सामने स्कूटी वाले देख रहे हैं ये बेचारा डर डर के चले हुए हैं और ये बंदा बेचारा कंफर्टेबली भी नहीं बैठा हुआ, डर इतना डर। क्योंकि आज हम तीन चार दिन बाद ब्लॉग शूट के लिए निकले हुए हैं, काफी यानी तीन दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। तो ये देखिए पहाड़, ये कभी भी बारिश में यहाँ पे लैंडस्लाइड का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। और ये आप देख ही सकते हो, अगर बाई चांस मिस हैपनिंग होती है बाई चांस कुछ भी मिस हैपनिंग होती है रैश ड्राइविंग के रिलेटेड, तो यहाँ पे बचने के चांस ना मात्र है। अभी हालात ही जैसा भी गिरे हुए पता उस फॉरेस्ट गार्ड के साथ जो कांड हुआ था ना वो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे उस कांड को साफ किया गया, ये रहा वो पॉइंट। ये देखो पहाड़ों के अंदर चला रही है, देखो ये रहा है एक्चुअली लकड़ी का पुल, तो अभी हम पुल को विजिट करने जा रहे हैं। तो चलो यार भाई कितना टाइम है, काफी पुराना पुल है ये।
तो साला हमारी तो मेरी तो फट के जा रही है। सागर भाई आप जा सकते, साला भाई को तैरना भी नहीं आता। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।